अनूठी पहल, अब गोवर्धन में ठाकुर जी के भजन श्रवण करेगा गोवंश। गोवर्धन, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गिरिराज नगरी गोवर्धन में अब गोवंश ठाकुर जी के भजन श्रवण करेगा। यह अनूठी पहल गोवर्धन के राधा रानी सर्विस स्टेशन संचालक गौतम खंडेलवाल समाज सेवी द्वारा की गई है। बरसाना रोड स्थित गौशाला में प्रसिद्ध भजन गायक शिवराम शर्मा अपनी मधुर सुर लहरियों के बीच गौवंश को ठाकुर जी के भजन श्रवण कराएंगे। समाज सेवी गौतम खंडेलवाल ने बताया कि भजन गायक शिवराम शर्मा की एक दुर्घटना में सीधे हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिससे आजीविका चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। किसी माध्यम से उनसे मुलाकात हुई, परिचय हुआ। उन्होंने बताया वो यहाँ काम की तलाश कर रहे थे, उनकी ऐसी स्थिति में कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। गिरिराज जी की प्रेरणा से उनको अपनी गौ माताओं को नित्य प्रतिदिन भजन सुनाने का प्रस्ताव दिया। इस आग्रह को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इससे उनकी गायिका प्रतिभा भी विलुप्त होने से बच गई और गौ माताओं को भी भजन सुनने का आनंद प्राप्त हुआ तथा उनकी आजीविका चलाने में भी सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गायक द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए, गौ माताओं ने बड़े ही आनंद से ठाकुर जी के भजनों का श्रवण किया। अरे सुन सुन मुरारी की मधुरता, सुन 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 मुरारी की मधुरता, जीना नाथ नवल किशोर रे राधे थारी झोंके ले राई, सुन सुन मुरली की मधुरता। परसों की कही जो श्याम गए कब आवेगी देर ने परसों, दिन रात के तारीख वार निहार निहार भई सरसों। शिवराम शर्मा नामक एक सज्जन वो किसी के माध्यम से हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि वो आपके क्षेत्र में गोवर्धन क्षेत्र में वो रहने वाले पूर्व से फिरोजाबाद के हैं और वो हमारे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में अपने गोवर्धन क्षेत्र के आसपास करीबन 15 और 20 वर्षों से भजन और ये संकीर्तन वगैरह करते चले आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दुर्घटना में मेरे हाथ सीधा हाथ जो है वो टूट गया है और वो जुड़ नहीं पाया है, वो उनका हाथ आज भी खाल में लटका हुआ है। क्योंकि अब इस अवस्था में है कि ना तो वो उसका ऑपरेशन हो सकता ना उनका खाल हाथ उनका जुड़ सकता है, ठीक हो सकता है। तो चूंकि उन्होंने बताया था कि वो किसी अच्छे भजन संध्या में वो करते थे, गाँव में लोग भजन सुनाया करते थे और उसी से वो अपनी आजीविका चलाते थे, मेरे पास चूंकि किसी के माध्यम से वो काम मांगने के लिए आए थे तो मैंने उनको कहा कि इस अवस्था में आप क्या काम कर सकते हैं, मेरे पास तो चूंकि पेट्रोल पंप का काम है तो यहाँ पे तो आप क्योंकि हाथ में आपकी चोट लगी हुई है तो काम नहीं कर सकते। तो चूंकि उनके अंदर एक प्रतिभा थी, वो बहुत अच्छा भजन ठाकुर जी के भजन सुनाने में एक सक्षम थे, तो उनको उनकी उस प्रतिभा को देखते हुए मैंने उनको एक छोटा सा उनको काम बताया मैंने कि आप हमारे गोवंश को आप जो है इनको भजन आप सुनाने का कार्य कीजिए और सुबह दो तीन घंटे शाम को आप सुनाइए। तो इससे इस चीज से एक फायदा ये होगा कि एक तो उनको जो उनके अंदर प्रतिभा है वो प्रतिभा उनकी बनी रहेगी, दूसरा गौवंश जो है वो बड़े आनंद की अनुभूति में भजन सुन रहे थे और तीसरा उनको उनकी आजीविका चलाने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था उसमें भी उनको कहीं हद तक मदद मिलती। तो इस ईश्वर की कृपा से गिरिराज जी की प्रेरणा से एक ऐसा माध्यम बना कि एक ही काम से एक ही व्यक्ति को यदि हमने उनको थोड़ा सा काम दिया तो तीनों काम हमारे उससे वो सिद्ध हो गए, उनकी आजीविका भी चल गई, गोवंश भजन भी सुन लेंगे और उनके अंदर जो प्रतिभा थी वो प्रतिभा भी विलुप्त होने से बच गई।